नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फाइल चैनल में आपका स्वागत है। आप सबने आसमान में बाज को कलाबाजियां करते तो देखा ही होगा। बाज को जैसी ट्रेनिंग दी जाती है बाज वैसा ही करता है। बाज की इन खूबियों के कारण पुराने जमाने से ही बाज को अलग अलग कामों के लिए पाला जाता रहा है। फ्रांस देश ने भी बाज को अब अपनी मिलिट्री में भी शामिल कर लिया है, वो भी एक विशेष काम के लिए। हमारे इस चैनल में हम आपको ज्ञान, विज्ञान और रहस्य से जुड़ी हुई देश विदेश की जानकारियां वाली वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाइए और इसके बगल में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो देखते हैं फ्रांस की मिलिट्री किस काम के लिए दे रही है बाजों को ट्रेनिंग। दुनिया में कई प्रकार के ड्रोन बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल जासूसी और हमलों में भी किया जाता है। इन ड्रोनों को पकड़ने और गिराने के लिए फ्रांसीसी सेना अब बाजों का उपयोग कर रही है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोता लगाता गरुड़ अच्छे खासे ड्रोन को क्रैश कर देता है। फ्रांस की सेना अब इन परंदों को ट्रेनिंग दे रही है। दक्षिणी फ्रांस के एक सैन्य ठिकाने में 4 गोल्डन ईगल के पहले बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है। युवा परिंदों को हर दिन कई घंटे अभ्यास कराया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में गरुड़ों को मुर्गी के चूजे खुराक के तौर पर दिए जाते हैं। ट्रेनर अलग अलग किस्म के ड्रोनों में मांस के टुकड़े भी बांधते हैं। सेना के मुताबिक गोल्डन ईगल को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। सेना के मुताबिक ड्रोनों की बढ़ती संख्या से सुरक्षा को खतरा पहुँच रहा है। ताकतवर गरुड़ उड़ान और शिकार में माहिर होते हैं। प्राकृतिक स्वभाव के चलते वो ड्रोन को घुसपैठियों की तरह से देखते हैं और हवा में ही मशीन पर झपट पड़ते हैं। गरुड़ का हमला ड्रोन का संतुलन बिगाड़ देता है और संतुलन बिगड़ते ही ड्रोन सीधा जमीन पर क्रैश होता है। इससे गरुड़ को भी चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। गोल्डन ईगल अपने शिकार को दबोचने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोता लगा सकते हैं। ये परिंदे 2 किलोमीटर दूर से अपना शिकार आराम से चुन लेते हैं। हाल के समय में आतंकवादी भी ड्रोनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। ड्रोनों की मदद से जासूसी और हमले भी किए जाने लगे हैं। ट्रेनिंग के नतीजों से फ्रांसीसी सेना काफ़ी खुश है। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इन परिंदों को स्टेडियमों, राजनीतिक सम्मेलनों और एयरपोर्ट में तैनात किया जा सकेगा। नीदरलैंड में भी ड्रोनों से निपटने के लिए इन परिंदों की मदद ली जा रही है। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।